हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक आपके लिए कंफ्यूजिंग टॉपिक लेके आए हैं और जो दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मेरे पास है रेनिन क्या विद सिंगल एन और रेनिन विद कैपिटल एन। अब क्वेश्चन में अगर आपके पास आ जाए और ऑप्शन दोनों हो तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले तो ये होते क्या हैं, तो रेनिन जो कि मेरा आता है किडनी के फंक्शन में, तो वी नो जो हमारी बॉडी है उसमें एक रास सिस्टम होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ही भी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो होता है तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि सोडियम का लेवल वहाँ पे कम हो जाता है और उसी टाइम किडनी का रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसका फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जो कि रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करा देता है आयंस एंड वाटर की, तो उस हिसाब से फिर अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। अब दूसरी तरफ ये मेरे पास जो रेनिन है डबल एन, ये क्या होता है? नाउ जैसे हमारे स्टमक में अलग अलग जो जूस है स्टमक का, उसमें कुछ एंजाइम्स हैं, उसमें एसिड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास HCl होता है, हमारे पास होता है पेप्सिनोजेन, तो जो HCl है वो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है क्या करने में? पेप्सिन, जो कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं। अब जब ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो ये तो एडल्ट्स में हो ही रहा है, इसके अलावा इन्फेंट्स के केस में वहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रेनिन, विच इज कैपिटल डबल एन रेनिन, और ये किस में हेल्प करता है? कडलिंग ऑफ मिल्क। अब अगर मेरे को इन दोनों में लर्न करना है कि कौन सा किसका है तो कैसे लर्न करेंगे, तो इसमें एक सिंपल सा ट्रिक है। रेनिन जो है वो किडनी है और किडनी के लिए हम सारे क्या यूज़ करते हैं? अब जो रीनल वर्ड है वो सारे सिस्टम के लिए यूज़ होता है और रीनल में हमारे पास है सिंगल एन और सिंगल एन वाला रेनिन रीनल फंक्शन परफॉर्म करेगा, वेयर एज जो दूसरा वाला डबल एन हो जाए वो स्टमक के लिए हो जाएगा कर्लिंग ऑफ मिल्क के लिए। थैंक यू।